नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल ने किया मतदान। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान जारी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी किया मतदान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल ने मतदान किया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान जारी है, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी मतदान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से। तो साथ ही आपको बता दें कि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी किया मतदान। ये बड़ी और अहम खबर रायपुर से। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान जारी। वहीं आपको बता दें कि रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने भी मतदान किया है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दी कि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी मतदान किया। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने मतदान किया है। तो साथ ही साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी मतदान किया है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रायपुर की, जहां पर सीएम भूपेश बघेल मतदान कर रहे हैं। अध्यक्ष के लिए तो जो चुनाव हुआ है उसमें सचमुच ये मेरा पहला अनुभव है, लेकिन कलकत्ता अधिवेशन और एक दो अधिवेशन में सीडब्ल्यूसी के चुनाव में हम लोग मतदान किए थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सचमुच ये हमारा पहला अनुभव है। लगातार आरोप लगाते हैं, लेकिन जरा अब देख लें कि कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक ढंग से कैसे चुनाव होता है, और एकाध बार नामजदगी के बजाय अपनी भी पार्टी में लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव कराने की प्रक्रिया में वे आगे बढ़े, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक का आज का यह अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। धान उपार्जन नीति का हो सकता है अनुमोदन। तो विधानसभा विशेष सत्र का हो सकता है फैसला। आदिवासी आरक्षण पर विशेष सत्र बुलाने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही धान खरीद की तैयारियों पर भी होगी चर्चा। तो राजस्व आदिवासी महोत्सव की तैयारी पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। बड़ी और अहम खबर रायपुर से, जहां कैबिनेट की आज बैठक हो रही है, तो वहीं से बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा विशेष सत्र का हो सकता है फैसला। आदिवासी आरक्षण पर विशेष सत्र बुलाने पर भी फैसला हो सकता है। ये बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से आपको बता रहे, जहां आज कैबिनेट की बैठक होगी, तो वहीं इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से, कैबिनेट की बैठक आज कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा विशेष सत्र का हो सकता है फैसला। आदिवासी आरक्षण पर विशेष सत्र बुलाने को लेकर फैसला हो सकता है। अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग जारी। मल्लिकार्जुन और शशि थरूर आमने सामने। मोहन मरकाम ने डाला पहला वोट। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि मोहन मरकाम ने भी अपना वोट डाला है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं मरकाम। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग जारी। ये बड़ी और अहम खबर। मल्लिकार्जुन खड़के और शशि थरूर आमने सामने है इस मुकाबले में। साथ ही आपको बता दें कि मोहन मरकाम ने भी पहला वोट डाला है, जहां छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष है मोहन मरकाम। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग जारी है। लगातार कांग्रेस की जो दिग्गज है वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां पर मोहन मरकाम भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। वही मल्लिकार्जुन और शशि थरूर इस मुकाबले में आमने सामने हैं। बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के लिए मैंने पहला वोट दिया है, और कहीं ना कहीं मुझे खुशी है और हमारे सभी पीसीसी डेलीगेट्स को खुशी है कि 24 साल बाद हम लोग वोट करने का सौभाग्य हम सबको मिल रहा है।
रुक करते हैं बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर, सीएम करेंगे 1866 करोड़ का भुगतान, 3 योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में डालेंगे पैसे, 24 लाख किसानों को मिलेंगे 1745 करोड़ रुपए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत ये लाभ दिया जा रहा है, तो वही योजना के लाभार्थियों को ये लाभ मिलेगा, 4.66 लाख लाभार्थियों को मिलेगा करोड़ों का लाभ। तो आपको बता दें कि 115.80 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा गौधन न्याय योजना के तहत, भी मिलेगी राशि। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां आपको बता दें कि 4.66 लाख लाभार्थियों को करोड़ों का लाभ मिलेगा। तो ये बड़ी खबर, सीएम करेंगे 1866 करोड़ का भुगतान, 3 योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में डालेंगे पैसे, 24 लाख किसानों को मिलेंगे 1745 करोड़ रुपए, कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत लाभ योजना के लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें कि 4.66 लाख लाभार्थियों को मिलेगा करोड़ों का लाभ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने जमकर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा कि 10 जनपद ने रिमोट पसंद कर लिया है और ऑर्डर भी कर दिया है, बस अधिकृत करना बाकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैसे गांधी परिवार से बाहर के 2 आखिरी अध्यक्ष का हाल सबको पता है, वहीं गांधी परिवार को लगातार जनता ने नकारा है और अब अध्यक्ष पद से हटना पड़ रहा है। कांग्रेस संगठन में कभी भी लोकतंत्र नहीं रहा है, हमेशा परिवारवाद की राजनीति हावी रही है और एक परिवार के अधीन रहकर ही कांग्रेस के लोग काम करते हैं। तभी तो ये देखने को मिल रहा है, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष में परिवारवाद को जनता ने नकार दिया है, लेकिन फिर से ये रिमोट कंट्रोल में अपना अध्यक्ष बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 2 प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, लेकिन एक प्रत्याशी को काम करने वाला आदमी तक नहीं मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के उस गांधी परिवार ने आदेश कर दिया है कि जो रिमोट से चलने वाला अध्यक्ष है वही हमारा अध्यक्ष बनेगा और हमारे परिवार के अधीन रहेगा। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर, दिवाली से पहले किसानों को तोहफा, सीएम भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा, अरहर मूंग उड़द भी खरीदेगी सरकार, तो समर्थन मूल्य में करेगी खरीद, प्रदेश के 20 उपार्जन केंद्रों में होगी खरीद। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम 17 अक्टूबर से करेंगे शुरुआत, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिवाली से पहले सीएम ने तोहफा दिया है, आपको बता दें कि दिवाली से पहले किसानों को ये तोहफा दिया गया है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की, उन्होंने कहा कि अरहर मूंग उड़द की भी खरीद करेगी सरकार, समर्थन मूल्य में की जाएगी खरीद। ये बड़ी और अहम खबर रायपुर से, दिवाली से पहले किसानों को तोहफा, सीएम भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा। यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सक्सेस डज नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन हार्ड वर्क बट कंसिस्टेंट हार्ड वर्क एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम बीकेसीएल। My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. We'll be right back.
BJCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BJCI is not an institution, it's family. And I'm very proud to be part of BJCI. Thank you. सफलता की राह में BJCI के साथ मैं लक्ष्मण शर्मा PhD रैंक 72. माई नेम इज अनिल साहू स्टूडेंट ऑफ BJCI माई ओवरऑल रैंक 30. माई सेल्फ आकिब खान स्टूडेंट ऑफ BJCI माई ओवरऑल रैंक इज 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49. देखिए बस स्वागत है आपका. रुक कर लेते हैं खबरों की ओर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख जताया है. सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी निधन हम सबके लिए अपूर्ण क्षति है. उन्होंने मनोज सिंह मंडावी के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है. आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है. वहीं मनोज मंडावी की अंतिम यात्रा में सीएम के साथ मंत्री अमरजीत भगत रवाना हुए. मनोज मंडावी के जाने से पूरा बस्तर को क्षति पहुंची है. मनोज मंडावी जी का देहावसान हो गया है. उनका खबर जैसे लगा हम स्तब्ध हो गए कि एकाएक सुबह जो है इस प्रकार का खबर, ना कोई बीमार ना कोई पहले से सीरियस थे, अचानक इस प्रकार का खबर सबको दिल दहला देने वाला था. का जाना सहसा विश्वास नहीं हुआ. हमारे साथ ही 98 में मध्य प्रदेश के विधानसभा में चुने गए. भानु प्रतापपुर क्षेत्र से एक बार वो विधायक बने, मंत्री भी थे छत्तीसगढ़ बनने के बाद, और उसके बाद अभी विधानसभा के उपाध्यक्ष. चौरासंधी में जिस प्रकार से वो संचालन करते थे, पक्ष विपक्ष सभी के लोग उसकी प्रशंसा करते थे. बहुत ही सीधी सपाट बोलने वाले. खबर मनेन्द्रगढ़ से, जहां विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने शोक जताया है. उन्होंने कहा कि आज सुबह निधन की जानकारी मिली. मनोज से मेरे व्यक्तिगत संबंध थे. स्पष्टवादी, बोल्ड, निडर, आदिवासी हित में विशेष संवेदना रुचि रखने वाले और सभी को साथ लेकर चलने वाले वो थे. वहीं जब स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया कि अगले चुनाव में सीएम का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है भूपेश बघेल ही रहे, बाकी उम्मीद पर दुनिया कायम है. स्तब करने वाला ये घटनाक्रम रहा. एक सुबह जानकारी लगी कि मनोज नहीं रहे, और व्यक्तिगत भी मेरे बहुत ही स्नेहिल संबंध उनके साथ थे. बहुत ही स्पष्टवादी, बोल्ड, निडर, आदिवासी हित में विशेष संवेदना रखने वाले, रुचि रखने वाले और सभी को साथ लेके चलने वाले जनप्रतिनिधियों में वो थे. विधानसभा में उनका जो दायित्व मिला था, वहां भी उनके कार्य क्षमता और व्यक्तित्व को हम लोगों को देखने मिला. छ
छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का निधन हार्ट अटैक से हो गया है। इसके बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। मंडावी कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर से कांग्रेस के विधायक थे, वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष भी थे। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत 90 के दशक में युवा कांग्रेस में सक्रिय थे। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे और इसके बाद 1998 में पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो एक खबर आपको बता रहे हैं जहां मनोज मंडावी के निधन से पूरी प्रदेश में शोक की लहर है, तो वहीं आपको बता दें कि हार्ट अटैक आने की वजह से उनका निधन हुआ है। विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दुख जताया और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वो आदिवासी समाज की मजबूत आवाज थे, उनका इस तरह जाना हृदय विदारक है। ईश्वर उनके परिजनों को इस घड़ी में दुख सहने की शक्ति दे। बीजेपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी मनोज मंडावी के निधन पर दुख जताया है। विधानसभा के विधानसभा उपाध्यक्ष श्रद्धेय मनोज मंडावी जी हमारे पीछे नहीं रहे, मैं उनको मेरी ओर से मेरे दल की ओर से सत सत नमन करता हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करने वाले मनोज मंडावी जी रहे हैं, जहाँ तक मैं देखा हूँ उनके बारे में किस अल्प समय में काफी अच्छी उनकी लोकप्रियता रही है, सभी दलों के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध रहा है और जो प्रतिबद्धता उनकी अपने पार्टी के लिए समाज के लिए होनी चाहिए कि उस क्षेत्र का विकास कैसे हो, उसके लिए सतत उनका प्रयास करना। 2023 के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया। उन्होंने चिरमिरी दौरे के दौरान बयान दिया। सिंहदेव ने कहा ये हाईकमान तय करता है, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है चुनाव के समय जो मुख्यमंत्री रहते हैं चेहरा फिर उन्हीं का रहता है। रुकते ही छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सक्सेस डज नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन हार्ड वर्क बट कंसिस्टेंट हार्ड वर्क and this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. Thank you.
advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family. And I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहू माई PhD रैंक इज 72. माई नेम इज अनिल साहू, स्टूडेंट ऑफ BKCI, माई ओवरऑल रैंक 30. माई सेल्फ आकिब खान, स्टूडेंट ऑफ BKCI, माई ओवरऑल रैंक इज 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका. रुक कर लेते हैं खबरों की ओर. छत्तीसगढ़ स्कूल में मिड डे मील भोजन रसोई संघ की कई महिलाएं हड़ताल पर बैठ गई हैं. आपको बता दें कि बैकुंठपुर के प्रेमा बाग मंदिर प्रांगण में कोरिया जिले भर की मिड डे मील की रसोई संघ के बैनर तले कई महिलाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए. उन्होंने अर्धशासकीय को शासकीय किए जाने की भी मांग की. तो कोरिया से खबर आपको बता रहे, जहां पर महिलाओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए. आपको बता दें कि प्रमुख मांगे जो है हमारी तीन है. हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए, निकाले गए रसोइयों को पुनः वापस लिया जाए, जो अर्धशासकीय है उसे पूर्ण रूप से शासकीय किया जाए. अगर भूपेश सरकार हमारी मांगों को अनसुना करती है तो आज यहाँ हमको बैठे हुए 5 दिन हो गया है, 5 दिन बैठे हो गया. अगर भूपेश सरकार हमारी मांग नहीं सुनती है तो हम अंबिकापुर संभाग में जाके चक्का जाम करेंगे. सुकमा में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर लगातार जर्जर सड़क के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं. सड़क की स्थिति को देखते हुए कुगानार में NH 30 को लगभग आधे घंटे जाम कर धान रोपण कर राज्य सरकार और स्थानीय विधायक को ध्यानाकर्षण कराया गया. जल्द नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा. बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही. आप बने रहिए हमारे साथ. नमस्कार.